नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्पाई टेक्नोलॉजी में, और मैं आपका दोस्त गणेश कौर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लुक कैम प्रो का पत्ता, या स्ट्रिप कैमरा भी आप कह सकते हैं। आज हम जानेंगे इसके बारे में, इसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसकी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, और आपको बताएंगे इसके अंदर रीसेट कैसे होता है। पूरी जानकारी आपको इसकी हम आपको देंगे। आइए बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो ये है स्ट्रिप कैमरा, ये लुक कैम प्रो है, और इसके साथ है एक बैटरी और एक चार्जिंग के लिए डाटा केबल। इसके साथ में है एक एक्स्ट्रा चार्जर और एक एक्स्ट्रा बैटरी हमने ली है। अब बैटरी को कैमरे से कनेक्ट कर देते हैं। लगभग 45 सेकंड में कैमरा ऑन हो जाएगा, तब तक हम आपको एक्स्ट्रा बैटरी और चार्जर के बारे में बता देते हैं जब तक कैमरा ऑन होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा चार्जर, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपकी यूएसबी केबल लग जाएगी चार्जिंग वाली, और ये हो गया पोर्ट। इसे आराम से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बैटरी में आराम से लग जाता है, और इसे कर देंगे चार्जिंग से कनेक्ट। कनेक्ट करते ही इसमें रेड लाइट जलेगी और बैटरी आपकी चार्ज होने लग जाएगी, और जब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी और आप बैटरी निकाल के आराम से कैमरे में रिप्लेस कर सकते हैं। ये चार्जर आपके लुक कैम प्रो, होम आई और जितने भी स्ट्रिप कैमरा या पत्ता कैमरा कह लो आते हैं, ये सब में सपोर्ट करता है, और आराम से बैटरी चार्ज करके आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा कैमरा ऑन हो चुका होगा। आइए अब अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे चलते हैं। प्ले स्टोर ओपन करेंगे और सर्च करेंगे लुक कैम प्रो। जैसा कि दोस्तों मैंने टाइप कर दिया है, सर्च करेंगे तो लुक कैम प्रो का कुछ इस तरह लोगो आएगा, और इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद हम चलेंगे अपने मोबाइल के वाईफाई सेक्शन में। और यहाँ नाम करके आ रहा होगा TUT, इसे कर लेंगे हम कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद और बैक हम अपनी एप्लीकेशन पर पहुँचेंगे और लुक कैम प्रो को कर देंगे ओपन, और यहाँ करेंगे ये कैंसिल और सर्च बटन दबाएंगे। और यहाँ करेंगे इसे ऐड एंड सॉर। ये कैमरा अब हमारा हो चुका है कनेक्ट, अब इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों 1080p दिखा रहा होगा, इसे हम कर देंगे 4K पे। आइए अब हम आपको इसकी वीडियो क्वालिटी चेक करवा देते हैं और साथ में ऑडियो भी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, वीडियो एकदम क्लियर है, ये 4K रेजोल्यूशन पे चल रहा है। आइए अब हम आपको इसकी ऑडियो सुना देते हैं। आपको इसकी ऑडियो सुना देते हैं। आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों कि ये मोबाइल पास होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है, आपको इससे भी तेज़ लाउड आवाज़ मिलेगी इसमें। दोस्तों अब मैं आपको एप्लीकेशन की सेटिंग के बारे में कुछ बता दूं। आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक करें और यहाँ पे आएगा वाईफाई सेटिंग, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके घर में जो भी वाईफाई लगा हो उस पर क्लिक करें और पासवर्ड डालें और नेक्स्ट का बटन दबाएं। ये ऑटोमेटिक आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और आप इसे रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहें तो आप अपने कैमरे का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, टाइम सेटिंग कर सकते हैं, अलार्म सेटिंग कर सकते हैं, SD कार्ड सेटिंग कर सकते हैं, और यहीं से अपना कैमरा रिस्टार्ट और रिसेट भी कर सकते हैं।
ये कैमरा आपके घर और ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आराम से कहीं भी लग सकता है, इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसे बैटरी से ऑपरेट करें, आप इसमें डायरेक्ट चार्जर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, ये 24 आवर्स चलेगा। ये हो गया रीसेट बटन, ये ऑन ऑफ स्विच और ये चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ लगा सकते हैं आप 128 GB तक का कार्ड सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपके पास भी कैमरा पड़ा हो जिसमें चलाने में आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और एप्लीकेशन का नाम ज़रूर डालें, जिससे कि हमें ये बताने में आसानी रहे कि इस एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। नमस्कार।